हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माई सेल्फ हनी। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेशियल करके दिखा रही हूँ लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो इंस्टा ग्लो फेयरनेस फेशियल किट से। तो इसमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लिंजिंग मिल्क का। तो हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है ये क्लिंजिंग मिल्क। तो क्लेंजर को पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करेंगे और नेक से अच्छे तरीके से क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। नेक से हम अपवर्ड डायरेक्शन तक आएंगे और 3 से 4 मिनट तक हमें इस तरीके से ही मसाज करना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मसाज हो रहा है। तो क्लेंजिंग के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं, टोनर यूज़ कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अच्छे तरीके से अपना हाथ चला सकते हैं। इसे हमें एब्जॉर्ब नहीं करना है स्किन में, हमें सारे डर्ट पॉल्यूशन को बाहर निकालना है। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है स्किन को कि हमारे जितने भी डर्ट पॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाएँ और हमारी स्किन क्लियर हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक अपने फेस को क्लेंजर से क्लीन करने के बाद हमें अपने फेस को अच्छे से वाइप आउट कर लेना चाहिए। आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए, बस पानी की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लें। सेकेंड स्टेप है वाइट ग्लो ओटमील एंड योगर्ट स्किन वाइटनिंग स्क्रब की। तो इसे भी पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ तक आपने अपने आईज पे भी इसे अप्लाई करना है। हमें स्क्रब नहीं करना है आईज के पास, पर अप्लाई पूरे फेस पे और नेक पे करना है इसे। तो जो इसमें इंग्रेडिएंट है ओटमील, वो बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है जो हमारे स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज बैलेंस करता है। और साथ में जो योगर्ट होता है वो हमारे स्किन को लाइटन करता है और हमारे स्किन को सिल्की स्मूथ और बहुत ही ब्राइटन बना देता है। तो स्किन पे जितने भी वाइट हेड, ब्लैक हेड, डेड सेल होते हैं ना, उसे ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करता है और आपके स्किन को सॉफ्ट बना देता है। तो अच्छे क्वांटिटी में फिर से हमें पानी या कोई भी टोनर लेना है या फिर रोज़ वाटर लेना है और अपने नेक से अच्छे तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से, टिप्स की हेल्प से स्क्रब करना है। हमें अपने पाम का यूज़ नहीं करना है जब भी आप स्क्रब करो तो, और बहुत ही जेंटल होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दरदरा सा होता है। तो आप ज़्यादा अगर हार्श करोगे तो आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है। तो बहुत ही जेंटल हमें अच्छे तरीके से स्क्रब करना है अपने फिंगर की हेल्प से। तो स्क्रब हमें मैक्सिमम 3 मिनट तक करना चाहिए। ये हमारे पूरे डेड सेल को बाहर निकाल देता है और अगर आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड ज़्यादा हैं तो आपने स्टीम ज़रूर लेना चाहिए स्क्रब करने के बाद। और स्क्रब करने के बाद, स्टीम लेने के बाद आपने पिन मिल जाता है जो वाइट हेड और ब्लैक हेड को रिमूव करता है। मैंने कई सारे वीडियो में आपको दिखाया है, आप या तो स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिन यूज़ कर सकते हैं, वो सस्ते में मिल जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से वाइट हेड, ब्लैक हेड को आप निकाल सकते हो फेशियल करते समय। तो अच्छे तरीके से स्क्रब करने के बाद आपने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो है वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मसाज क्रीम। तो ये स्किन पे आपने पूरे अप्लाई कर लेना है, पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लेना है। तो इस मसाज क्रीम से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये आपके स्किन को पेनिट्रेट करता है, साथ में आपके स्किन को लाइटन बनाता है। ये आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है, साथ में आपके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही खिली खिली सी नज़र आती है, बहुत ही ग्लोइंग नज़र आती है। ये आपके स्किन के पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, साथ में आपके स्किन को सुपर सॉफ्ट बना देता है। तो इसे हमें 15 मिनट तक अपने फेस पे मसाज देना है। मसाज करने से बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, हमारी स्किन टाइट होती है, हमारे स्किन के जो भी फाइन लाइन है, रिंकल्स हैं, वो भी रिड्यूस होते हैं। और जब आपका एज हो जाता है तो आपको ज़रूर फेशियल लेना चाहिए। फेशियल लेने से आपके स्किन पे हमेशा ग्लो रहती है, आपकी यूथफुल लगती है आपकी स्किन। तो आप एक एज पे आ जाते हो, 25 इयर्स के अबव हो जाते हो, तो आपने फेशियल ज़रूर कराना चाहिए। उससे पहले अगर आप टीनएजर्स हो तो आप इससे क्लीनअप ले लो, क्लीनअप लेना भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे स्किन से जितने भी पिंपल्स, एक्ने टीनएजर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर क्लीनअप लोगे इससे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
तो यहाँ पे बहुत ही इजी एंड सिंपल स्ट्रोक्स दिए गए हैं जो आप इजीली कर सकते हो, और आपको कोई स्ट्रोक्स नहीं आता है तो सिर्फ सर्कुलर मोशन से भी आप फेशियल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपके प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि क्लेंजर में किस तरीके से आपने यूज़ करना है वाटर, टोनर, और किस तरीके से आपने स्क्रब में अपने पाम को यूज़ नहीं करना है, अपने फिंगर टिप्स को यूज़ करना है, तो आप छोटे छोटे चीज़ को अगर ध्यान में रखकर कुछ भी करते हो, फेशियल करते हो, तो वो गलत नहीं होगा और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। खुद से भी आप जब सेल्फ करोगे, सेल्फ भी वीडियो मेरे बहुत सारे हैं, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए लास्ट स्टेप फॉलो करते हैं। लास्ट स्टेप है वाइट ग्लो योगर्ट स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मास्क। तो इसे पूरे फेस पे, ऑल ओवर नेक पे अप्लाई कर लेना है और 80% अपने स्किन पे इसे ड्राई होने के लिए रहने देना है। तो ब्यूटी क्लासेस और मेकअप क्लासेस के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जहाँ पे आप सारे मेकअप, ब्यूटी और अब सेल्फ ग्रूमिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपको खूब सारा बेनिफिट मिल सके। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, अगर डे में करा रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। सो टिल देन, बाय बाय।